नमस्कार, स्वागत है आपका JK24 न्यूज में। और फिर मैं आपको यहाँ पर विधान भवन पे मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाने ले जा रहा हूँ। देखिए, अलग अलग हमारे देश से जो है संस्कृति है, उसमें किस तरह से आज यहाँ पे डांस होना है और कार्यक्रम होना है, उन तस्वीरों को भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल हमारे गुजरात से भाई बहन हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे मैं बात कराऊंगा। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे लग रहे हैं, गुजरात से यहाँ पे आए हुए हैं। ये देखिए, मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा। देखिए कितने अच्छे से सजे हुए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में आप देखेंगे एक से एक जो है चीजें आज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जो आप पुरानी जो डांसों को भूल गए हैं अलग अलग देश और प्रदेश से, वो तस्वीरें भी यहाँ पे दिखाऊंगा। ये देखिए, और यहाँ पर ये देखिए, एक तरफ से जो है लड़कियां हैं तो एक तरफ से लड़के हैं। और कैसे देखिए, पहले हमारी भारतीय संस्कृति में किस तरह से क्या क्या ड्रेसेस होते हैं अलग अलग प्रदेश और देश में। गुजराती लोग हैं, ये गुजराती भाई हैं हमारे, जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के विधान भवन पे पहुंचे हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आज पहुंच के? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज क्या करने वाले हैं? गुजराती डांस? हाँ, गुजराती गरबा करेंगे, रास करेंगे। बहुत प्रैक्टिस किया होगा? बहुत प्रैक्टिस की, बहुत प्रैक्टिस ना। हाँ, चलिए आज आपको पूरी दुनिया देखेगी और पूरा अपना देश देखेगा। हाँ, बहुत अच्छा लगने वाला है। और देखिए इस तरफ हमारे जो है, और यहाँ पे देखिए काफी सारे गर्ल्स हैं, जो कि देखिए बहुत मेहनत करके बेचारे यहाँ तक पहुंचे हैं और आज परफॉर्मेंस देने वाले हैं। पूरा देश और दुनिया इन्हें देखने वाला है। अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहेंगे, बहुत तैयारी किया है आप? बहुत ज्यादा, बहुत। देखिए ये देखिए, गुजरात से हमारे ये भाई बहन पहुंचे हैं यहाँ पर, और आपको थोड़े ही देर में कार्यक्रम जैसे स्टार्ट होगा, मैं ये तस्वीर भी दिखाऊंगा कि कैसे ये लोग डांस यहाँ पे कर रहे हैं। तमाम लोग देखिए यहाँ पे, और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से लोग पहुंच रहे हैं। और भी हमारे भाई देखिए यहाँ पे पहुंच गए हैं यहाँ पे इनको देखने के लिए। तो ये भीड़ उमड़ेगी, अभी अभी तो शुरुआत हुआ है, 7:00 हुआ है, और जैसे ही 8:00 यहाँ पे लाखों और कई हजार में जो है यहाँ पे लोग पहुंचेंगे। यहाँ पर आज जो कार्यक्रम होगा और मुख्यमंत्री का जो भाषण होगा उसको देखने के लिए यहाँ पे पहुंचेंगे। तो पूरी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, आप बने रहिएगा JK24 न्यूज के साथ। एक एक तस्वीर आज मैं आपको अपने दर्शकों को यहाँ से पहुंचाने वाला हूँ और सारे कार्यक्रम को मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। देखिए ये, और यहाँ पर फोर्स की तैनाती भी अच्छी खासी की गई है ताकि किसी को असुविधा ना हो। अलग अलग टेंट लगाए गए हैं पीछे, अलग अलग VIP यहाँ पे बैठेंगे, मंत्रीगण और अफसर और जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनके लिए अलग व्यवस्था किया गया है, और हमारे आम जनता के लिए भी अलग खास इंतजाम किया गया है, उनके भी बैठने का पूरा इंतजाम किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ आम लोग भी हैं। कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके इस शुभ अवसर पे। क्या कहेंगे आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लंबे समय से इंतजार था कि आज हम परेड देखें। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे? मैं अपोलो मेडिक से हूँ। हाँ, मैं यहाँ पर आया हूँ अपना अपने देश का नाम देखने के लिए, परेड। बिल्कुल, हमारे युवाओं में जोश अब भी रहेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए हमारे युवा हैं जो कि डॉक्टर मेडिकल फील्ड से हैं, और इनके अंदर भी जोश और उल्लास काफी देखने के लिए मिल रहा है। देखिए हमारे साथ एक मैम भी आई हैं। मैम क्या कहेंगे? Yeah, it is so wonderful and nice to see you. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, तो ये देखिए हमारे साथ यहाँ पे और भी यहाँ पे हैं, बच्चियाँ हैं, जो कि ये देखिए यहाँ से आप लोग भी मेडिकल से हैं, तो देखिए सभी पहुँच रहे हैं। और आज जो है काफी मजा आने वाला है, हमारे देश के जो अलग अलग लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, गुजरात से, बंगाल से, तमाम तरीके के यहाँ पे कार्यक्रम होंगे। और इसी बीच आप बने रहिएगा, हम एक एक कार्यक्रम आप तक पहुँचाएंगे। तब तक लीजिए, दीजिए मुझे इजाजत।